नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। घोसी उपचुनाव में लगभग 51% हुआ मतदान। मतदान के बाद गुड़ागड़ी शुरू, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे। घोसी चुनाव में जातीय गोलबंदी टूटने के आसार। घोसी की जनता चुनाव में नेताओं पर दिखी हावी। खबर जनपद मऊ से। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट का चुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये पहला इलेक्शन है जहां इंडिया और एनडीए आमने सामने है। घोसी उपचुनाव में वोटिंग पूरी हो गई, करीब 51% वोट पड़े। कुछ जातियों के इलाके में मतदान की लंबी लंबी कतारें तो दिखी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत उम्मीद से कम रहा। हालांकि भाजपा और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास के बावजूद मतदान 51% तक ही पहुंचा। भाजपा के समर्थित माने जाने वाले नोनिया चौहान, राजभर निषाद और कुर्मी मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सपा के परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव समाज के साथ सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के सजातीय ठाकुर मतदाताओं ने भी पूरे जोश से मतदान कर मुकाबले को न केवल रोचक बल्कि कांटे का बनाया। बहरहाल यह माना जा रहा है कि जो भी दल दलित मतदाताओं में सेंध लगाने में जितना सफल रहेगा, बाजी उसके हाथ में लगेगी। घोसी में दूसरी बार हो रहे उपचुनाव में मंत्रियों की फौज उतरी। गली गली, गांव गांव व डगर डगर जनसभा, जन चौपाल का जनसंपर्क हुआ। मतदाताओं को जागरूक करने की रैलियां निकली। मुख्य चुनाव की तरह ही मतदाताओं को जागरूक किया गया था, पर अपेक्षित मतदान का अखाड़ा दूर ही रहा। मंगलवार को मौसम भी अनुकूल ही रहा, अलबत्ता शाम को कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर भारी बरसात हुई। उपचुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से आशंका जताई जा रही थी कि उनसे जुड़े मुस्लिम और यादव मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनके मतदाताओं को भयभीत करने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन मंगलवार को हुए मतदान में मुस्लिम, यादव और ठाकुर बहुल इलाकों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शुरुआती दौर में पहचान पत्र और आधार कार्ड के नाम पर मतदाताओं को परेशान करने की शिकायत मिली, लेकिन उसके बाद मतदान समान व्यवस्था के तहत चलता रहा। सपा के वोट बैंक से जुड़ी जातियों ने जमकर मतदान किया। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव या रामपुर विधानसभा उपचुनाव जैसी स्थिति नहीं रहने से सपा मुकाबले में मजबूती से बनी रही। उपचुनाव में भाजपा ने जहां यादव, मुस्लिम और ठाकुर वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया, वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने मतदान के दिन राजभर निषाद, ब्राह्मण, कुर्मी और वैश्य वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश की। घोसी के चुनाव में जनता नेताओं पर हावी रही, जातीय बपौती टूटती नजर आई। मतदाताओं ने चुनाव का भरपूर आनंद उठाया। अब उसकी निगाहें 8 तारीख को होने वाली मतगणना पर टिक गई है। उस दिन फैसला हो जाएगा घोसी की घमासान का विजेता कौन होगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।